और बेपरवाह मन वही जीवन का आनंद लेता है। नामदेव जी आज सिर पे छत नहीं है संसार के लोगों को देखने के लिए, पर भक्त के सिर के ऊपर, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पा। भक्त के सिर पे सदा प्रभु के चरण कमलों की शीतल छाया रहती। नामदेव जी निश्चिंत बैठे, और जब भक्त निश्चिंत होता है तो प्रभु को चिंता होती है। जब तक आप और मैं अपनी चिंता करें तब तक प्रभु आनंद से बैठते हैं। द्रौपदी ने बहुत शिकायत की बाद में, बोले प्रभु आपने इतना विलंब कर दिया, मेरा इतना अपमान हुआ। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि शिकायत उचित नहीं है, ये उलाहना तेरा उचित नहीं। जब दुशासन ने तेरे केश खींचे, तूने यदि तभी मुझे पुकार लिया होता तो सभा में आने का मैं अवसर ही उपस्थित नहीं होने देता। पर जब दुशासन ने तेरे केश खींचे तब तुझे अपने पांच पतियों के बल का बहुत अभिमान था। तुझे लगता था कि इस दुशासन को मेरे पांच पति दंड देंगे। फिर कभी कभी तुझे दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म का आश्रय था, कभी तूने द्रोण और कृपाचार्य की ओर देखा। लेकिन जब संग सखा सब तज गए और कोई न निभयो साथ, कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई आश्रय नहीं बचा, अब केवल द्वारिकाधीश हैं जो रक्षा कर सकते हैं, जहां से आज हम चर्चा में प्रविष्ट हुए कि यत्र तत्र प्रभु की कृपा रस वर्षण होते हुए भी हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि संसार का आश्रय बना ही है। अपने साधन का जीव को अभिमान रहता है, आश्रय रहता है। तिजोरी में पड़े धन का आश्रय है, पद का आश्रय है, प्रतिष्ठा का आश्रय है, अपने अपने सुहृद बंधुओं का आश्रय है, संबंधियों का आश्रय है। और कोई कोई निकटवर्ती यदि किसी अच्छी किसी अच्छे पद पर बैठा हो तो उसके पद का आपको आश्रय है। यही भगवत कृपा की अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा है। बड़ो कुसंग शरीर निज जामे भरे बिकार, यही सबसे बड़ी बाधा है। नामदेव जी निश्चिंत मस्त बैठे, द्वारिकाधीश को चिंता हुई, चलने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा कहां जा रहे हैं, तो बोले आज भक्त को हमारी सेवा की आवश्यकता है। उसने जीवन भर हमारी सेवा की है, जीवन भर हमें लाड लड़ाया है, आज उसे हमारी सेवा की आवश्यकता है। तो रुक्मिणी कहने लगी कि ऐसे ऐसे अवसरों में आप हमें दूर क्यों रखते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि देखो चलना हो तो चलो, लेकिन खाली तमाशा देखने के लिए नहीं चलना होगा। सेवा करने जा रहा हूं मैं, और संग चलना है तो तुम्हें भी सेवा ही करनी होगी। तो माता जी ने मन में विचार किया कि भाई ऐसे तो भक्त हमें कभी सेवा का अवसर देते नहीं। माया को सब जग भजे पे माधो भजे न कोई, और जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। प्रभु आपके भक्तों का स्वभाव ऐसा है, जाही न चाही कबहूं कछु, तुम संग सहज सने। उन्हें आपके सहज स्नेह के अतिरिक्त कोई इच्छा कोई अभिलाषा नहीं है। आपके भक्त कभी हमारी ओर दृष्टिपात तक नहीं करते। तो आज अवसर मिला है आपके भक्त की सेवा करने का, तो मैं संग चलूंगी। तो श्री ठाकुर जी ने सुंदर रूप बनाया मजदूर का, बैठिया का, और माता जी साथ में आई हैं। नामदेव जी अपने कीर्तन में ही मस्त हैं, और ऐसी सुंदर छान छवाई प्रभु ने कि सब गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। अब तो आस पड़ोस के लोग आते हैं, आस पड़ोसी पूछे रे नामा कैसी छान छवाई, तोते अधिक मजूरी दई हो हमको देहु बताई।
न्यास पड़ोसी पूछने लगे, अरे तुझसे अधिक मजदूरी दे देंगे, तू बता तो सही कि कहां से लाया ऐसा बैठिया। नामदेव जी ने प्रभु की कृपा का विचार किया और उत्तर देते हैं आस पड़ोस के लोगों को, बैठिया प्रीत मजदूरी मांगे, बोले प्रीत की मजदूरी मांगता है वो, बैठिया प्रीत मजूरी मांगे और कछु नहीं चावे, भाई बंधु सब सोहित तोरे, बैठिया आप ही आवे। बोले आप सब आश्रयों को छोड़िए, मैं अपना मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ सबन सो तोरू, मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आसा, ऐसी भक्ति करे रदासा साची प्री जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर सबन सो तो। अब नामदेव जी के जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। नामदेव गोरा कुम्हार, सेन नाई, मुक्ताबाई, ये भक्तों की मंडली थी जो प्राय करके एक दूसरे से परस्पर कथा वार्ता के लिए मिलते रहते थे। एक बार गोरा कुम्हार के घर पे सब भक्तों की मंडली एकत्रित हुई। सब लोग बैठे भगवत चर्चा में रसास्वादन कर रहे थे। गोरा कुम्हार से मुक्ताबाई ने पूछा, बोले चाचा इन सब घड़ों में कच्चा घड़ा कौन सा है। गोरा कुमार ने थापी उठाई, मुक्ताबाई के हाथ में दी, बोले ले बेटी ठोक के देख ले कौन सा घड़ा कच्चा है। मुक्ताबाई ने क्या किया, जितने भक्त लोग बैठे थे सबकी पीठ पे थापी ठोक कर देखने लगी। नामदेव जी को जैसे ही थापी लगी, नामदेव जी को नेक सा क्रोध आ गया। नामदेव जी ने कहा, मुक्ता तू ऐसे हरिभक्तों का अपमान करती है। मुक्ताबाई ने कहा, चाचा यही घड़ा कच्चा है। नामदेव जी को जब बात समझ में आई तब नामदेव जी के मन में थोड़ा खेद हुआ। नामदेव जी ने अपने मन का ये दुख, अपने मन की ये पीड़ा अपने विट्ठल से जाके निवेदन कर दी। ठाकुर जी क्या उत्तर देते हैं नामदेव को, कि नामदेव तुम्हारी भक्ति ने मुझे रिझा लिया है, मैं सर्वथा तुम्हारे अधिकार में हूं, पर लेकिन थोड़ी सी कच्चाई तुम में अभी भी रह गई, तो प्रभु ये कच्चाई दूर करने का उपाय भी आप ही बताइए, क्योंकि मैं तो सब भांति आप पर आश्रित हूं। तो प्रभु क्या उत्तर देते हैं, कि जाओ किसी सदगुरु की शरण ग्रहण करो। इसीलिए शायद तुलसी बाबा कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। ये अध्यात्म के मार्ग की मूलभूत आवश्यकता है। वस्तुतः जो जीव की आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ होता है वो गुरु चरणों में समर्पण के बाद ही होता है। उससे पहले जो है, उससे पहले जो आप कर रहे हैं वो तो सदगुरु की प्राप्ति का एक प्रयास है। वस्तुतः जो यात्रा आरंभ होती है जब आप एक साधक जीवन आरंभ करते हैं,
जब स्वयं को साधने की चेष्टा एक प्रयास आरंभ होता है वो सदगुरु के मिलने के बाद होता है। और आप देखिए, एक नहीं भक्तमाल में अनेकों ऐसे प्रमाण हैं कि जब भगवत प्राप्ति हो चुकी, अब देखिए अब तक की लीलाओं का यदि आप चिंतन करिए तो नामदेव जी को क्या आप प्राप्त है। विठ्ठल नामदेव जी के सदा सन्मुख हैं, प्रभु का रूप नामदेव जी को सदा प्रत्यक्ष है, नामदेव जी की एक एक श्वास विठ्ठल विठ्ठल जपती है, सतत सेवा है, सतत सत्संग है, सतत सुमिरन है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने कहा कि नामदेव थोड़ी कचाई रह गई। वस्तुतः जीव का जो सूक्ष्म अहम है एक स्थूल अहंकार है। स्थूल अहंकार माने कि मैं एक उद्योगपति हूं, मैं एक मंत्री हूं, मैं बहुत ऊंचे पद पर बैठा हूं, ये स्थूल अभिमान है, ये शरीर से जुड़ा अभिमान है, एक सूक्ष्म अहम है। जो जीव का जीवत्व है, जो आपका स्त्रीत्व या आपका पुरुषत्व है, और भगवत प्राप्ति में वो सूक्ष्म अभिमान भी बाधा है, और वो सूक्ष्म अभिमान तब तक समाप्त नहीं होता जब तक प्रत्यक्ष रूप से ये मस्तक किसी समर्थ सदगुरु के चरणों में न धरा जाए। देखो, भगवत विग्रह की सेवा में अभिमान नहीं मरता। ठाकुर जी की सेवा तो आपके हाथ में है, प्रभु तो आपके अधीन है। आप 56 भोग लगाओ ठाकुर जी तब भी मुस्कुराते हैं, आप 2 बताशे धर दो ठाकुर जी तब भी मुस्कुराते हैं। वस्तुतः जो अभिमान मरता है वो संत की सेवा में जाके मरता है। आप सतत सेवा में लगे हैं फिर भी आपको डांट पड़ जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है बिना ही दोष के आपको फटकार दिया जाता है। संत की सेवा में उपस्थित होने पर जो इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, इसीलिए हमारे संतों ने कहा, सहत सहत बाड़े भक्ति गृह तन गुरु हित गार, हरि नाम से नेह पले तो पालिए और सेवा में ये देह गले तो गालिए। साधु की सेवा के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए, संत सेवा के लिए बड़ा उच्च कोटि का धैर्य चाहिए। आप पूछिए इनसे, बिना ही कारण बिचारों को कितनी बार फटकार पड़ जाती है। हमसे पहले जगेंगे, हमसे बाद में सोएंगे, फिर भी विचार करो तो अंत में मिला क्या, महाराज जी की डांट मिली। पर डांट तो मिली, लेकिन उससे जो प्राप्त होता है, पहले भी शायद मैंने सुन यहां नहीं बात हुई कि जो मैं सेतु बंधन की कथा कई बार सुनाता हूं कि छोटी सी गिलहरी पर एक एक तिनका रख रही है, समुद्र सेतु बंध रहा है, जो हनुमान जी का पैर पड़ गया, प्रभु ने देखा, अरे आप तो सेवा कर रही थी, हनुमान जी का पैर पड़ा तो हनुमान जी से सेवक का अपराध हो गया, तो हनुमान जी को क्या दंड दें। तो गिलहरी कहती है, प्रभु जैसे आप मुझे दुलार रहे हो ऐसे हनुमान जी को भी दुलारो। तो रघुनाथ जी ने पूछा, अरे हमने तो पूछा क्या दंड दें और तुम कहती हो कि उनको बिठाकर दुलारो। तो बड़ा सुंदर उत्तर गिलहरी देती है, बोले प्रभु ये हनुमान जी जैसे किसी भक्त के चरणों की ठोकर का ही तो प्रभाव है, आप मुझे गोद में लिए बैठे हो, नहीं लगती इनकी ठोकर तो आप क्यों कर उठा लेते मुझे। तो संत ते होए न कारज हानि। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं जिसके साथ घटी, उसके मुख से सुनी गई। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज एक बार अयोध्या में श्री कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए। तो महाराज श्री का जीवन तो सब लोग जानते हैं, निर्लिप्त महात्मा थे। एक सेठ जी थे, बड़े समय से प्रतीक्षा कर रहे थे किसी अवसर की कि मुझे महाराज श्री की कोई सेवा करने का अवसर मिल जाए। पर महाराज श्री के जीवन में कुछ ऐसा था ही नहीं कि उनको किसी की सेवा की आवश्यकता पड़े, बड़ा सीधा सरल सहज जीवन था। अब जब सेठ जी को पता चला कि बाबजी अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कनक भवन बिहारी जी के मंदिर के अत्यंत निकट श्री डोंगरे बापा के लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा दी। महाराज श्री की गाड़ी रुकी, उतरे। यद्यपि सेठ जी इस बात को कदापि प्रकट नहीं करना चाहते थे, किसी व्यक्ति ने सहज में कह दिया, बोले महाराज श्री आपके रहने के लिए व्यवस्था इन सेठ जी ने कराई। तो जैसे ही डोंगरे महाराज को पता चला कि केवल 2-3 दिन रहने के लिए और इतना धन व्यय कर दिया गया, तो महाराज श्री को थोड़ा क्रोध आ गया। बोले मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तुमने इतना परिश्रम किया? बोले अरे कितने मूर्ख हो तुम,
ठाकुर जी के दिए साधन का ऐसे दुरुपयोग किया जाता है, और जाने क्या क्या कहा। अब सेठ जी तो बेचारे बड़े दुखी, की तो सेवा और मिला क्या, और फटकार भी कैसे संत से। सेठ जी को लगा कि अब तो मेरा कल्याण कभी संभव ही नहीं है, मैं तो किस उद्देश्य से सेवा की और बाप जी से सुनने को यह सब मिला। तो सेठ जी बताते हैं कि रात भर नींद नहीं आई, सुबह 4 बजे के निकट बोले 2 घड़ी को आंख लगी, लेकिन आंख जैसे ही लगी क्या देखता हूं, श्री कनक भवन बिहारी सरकार सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे, चरणों में डोंगरे जी महाराज बैठे हैं, और श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले बेटा ये मेरा भोला भक्त है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, तेरी सेवा मैंने स्वीकार कर ली। और असीम की कृपा, उत्कट अनुग्रह भगवान का जब होता है तब साधु की सेवा मिलती है। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाए। इसलिए रैदास जी तो कहते हैं द्वार पर जब कोई संत आता है, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपनेऊं, कोटिक तीरथ नहाए। साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समाप्त। तो किसी सदगुरु की शरण में जाओ नामा, प्रभु मैं क्या जानू मेरे रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भला, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। आप ही कारण और आप ही कारज, विश्व रूप दर्शाया पर पलटू दास दृष्टि, तब आवे संत करे जब दाया। बोले प्रभु मैं तो सर्वतो भावेन आप पर समर्पित हूं, मैं किसे खोजूं, किसे ढूंढूं और कहां जाऊं, कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया, कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया, मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया, मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया, सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, अब सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, सुध लो लो मरी गोपाल में खोई
तुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तो नामदेव जी ने चतुराई नहीं की और नामदेव जी गुरु को खोजने नहीं निकल पड़े। बोले प्रभु सर्वतोभावेन आप पर आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता, कभी नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। मेरे जीवन का आरंभ भी विट्ठल है और जीवन का विश्राम भी विट्ठल है। मेरी भोर भी आप हैं, मेरी सांझ भी आप हैं। मेरा यश अपयश मान सम्मान और मेरे जीवन का लाभ और हानि सब आप ही के चरणों से जुड़ा है। श्री ठाकुर जी ने संकेत कर दिया और लगभग लगभग जितने भी भक्तों का चरित्र मैं कहा करता हूं, सबके जीवन में एक बात देखने को अवश्य मिलती है कि किसी ने भी गुरु को खोजा नहीं, गुरु ने शिष्य को खोजा है, शिष्य ने गुरु को नहीं खोजा। हमारे पास कितने कितने ऐसे निवेदन आते हैं कि पहले वहां से दीक्षा ले ली, मन को संतोष नहीं है, अब आप दे दीजिए। जो किसी को छोड़ के मेरे पास आता है वो मुझे छोड़ के किसी के पास भी चला जाएगा। ऐसी वृत्ति अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं सदा व्यासपीठ के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास करता हूं कि आप मत खोजिए, गुरु को खोजने दीजिए आपको। और इसे असंभव मत समझिए, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपकी उत्तरोत्तर उन्नति होगी। गुरु आपको खोज ले, आप नाम का आश्रय लिए रहिए, जहां हैं वहीं पर, जैसे हैं वैसे ही। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। रटते रहिए, जिस दिन आप योग्य हो जाएंगे कोई आएगा आपके आपका द्वार खटखटा देगा, आपके मन का द्वार खटखटा देगा। आपका तन झुकने से पहले आपका मन झुक जाएगा उसके चरणों में। आप चाहकर भी किसी और को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तब, लेकिन उस घड़ी की प्रतीक्षा करिए। तो नामदेव जी ने तो अपनी अपनी पूरी असमर्थता प्रकट कर दी, प्रभु मैं किसी के पास नहीं जा सकता, आपको मुझे जहां भेजना हो भेज दीजिए। और प्रभु बस इसी बात की परीक्षा में थे, गुरु तैयार थे क्योंकि शिष्य तैयार हो चुका था। श्री ठाकुर जी ने संकेत दिया कि अमुक स्थान पर चले जाना, बस वहीं कहीं तुम्हें तुम्हारा सदगुरु मिल जाएगा। अब देखिए, चिंतन करने की बात है कि नामदेव जी के जीवन में कहीं भी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। नामदेव जी को सब कुछ प्राप्त है, प्रभु के एक अनन्य भाव सिद्ध भक्त के जीवन में जो जो होना चाहिए नामदेव जी के जीवन में सब तो है, पर शायद प्रभु इस मर्यादा की रक्षा करने के लिए नामदेव जी को आदेश दिए कि जाओ किसी वैष्णव संत से दीक्षा लेकर भजन में प्रवृत्त हो। वैष्णवी परिपाटी है ये। इसीलिए मैं सदा कहता हूं आपका भजन कितना भी उच्च कोटि का क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन में आचार्यों का मार्गदर्शन होना जरूरी है, अन्यथा आप कहीं भी भटक जाओगे, चूक जाओगे, आपका किया हुआ जीवन भर का परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। पंडरीनाथ ने जो संकेत किया था, नामदेव जी उस स्थान पर पहुंचे, घना जंगल, एक टूटा फूटा शंकर जी का मंदिर था। संध्या हो गई थी, नामदेव जी ने कहा चलो मंदिर में बैठकर संध्या वंदन कर लें। नामदेव जी ने स्नान किया, मंदिर में जाकर देखा तो बड़ा दुर्दृश्य, टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण मंदिर, मंदिर के मध्य में एक बड़ा सा शिवलिंग और उस शिवलिंग पर एक महात्मा पैर धरे बैठे। नामदेव जी ने कहा आप इतने वृद्ध महात्मा हैं, आप इतना भी नहीं जानते,
इस प्रकार मर्यादा का खंडन करते हुए आपको किंचित भी भय और खेद नहीं होता, ये आप क्या अनर्थ करते हैं। संत कहने लगे, भैया बूढ़ा हो गया हूं, किसी ने यूं बैठा दिया, हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं है, तुम चाहो तो पैर कहीं और धर दो, पर वहीं धरना जहां शिवलिंग न हो। नामदेव जी जहां पैर धरते वहीं शिवलिंग प्रकट होता। विठल का संकेत स्मरण आ गया, बस यही कमी रह गई थी शायद, यही कमी रह गई थी शायद, ये एक अनुभूति होनी बाकी थी कि आप ही कारण आप ही कारज विश्वरूप दर्शाया, पलटू दास दृष्टि तब आवे संत करे जब दाया। संत का नाम था विसोबा, नामदेव जी को अपने सद्गुरु मिल गए। नामदेव जी ने फिर बहुत अधिक विचार नहीं किया, उनके चरणों में अपना माथा रख दिया। और क्या क्या उन संत ने नामदेव जी को कोई मंत्र दिया, कोई कंठी बांधी, कुछ नहीं, बस केवल एक भाव पूर्ण होना था, प्रभु को मर्यादा की रक्षा करनी थी। नामदेव जी के हृदय में कोई कच्चाई नहीं थी, नामदेव जी कहीं से भी कच्चे नहीं थे, भक्त के साथ भगवान जो जो लीला करते हैं केवल मर्यादा की रक्षा के लिए करते हैं, भक्ति की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए भक्त के साथ प्रभु की प्रत्येक लीला होती है। तो जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था कि गोरा कुम्हार, सेन नाई, ये सब परम मित्र थे, दिन रात पंढरीनाथ का गुणगान किया करते थे, प्रति एकादशी के दिन मंदिर में श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाकर उच्च स्वर से कीर्तन किया करते थे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मुझे एक स्मरण हो आया कि आज भी एकादशी है, एकादशी भी है और विठ्ठल भी सन्मुख विराजमान है, तो भाव से ऐसा चिंतन करें कि उन्हीं भक्तों के साथ ही हम भगवान के नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं। मैं तो सदा कहा करता हूं, हमारे स्वर में हमारे भाव में वो सामर्थ्य नहीं जो शायद इनके कान तक पहुंच सके, लेकिन जब भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बात कही जाती है तो शायद इनके चरणों तक पहुंचने की आशा हो जाती है, उम्मीद हो जाती है। तो कुछ क्षणों के लिए भाव से अपने मन में अपने चित्त में यही भाव रखिए कि हम भक्तों के संग मिलकर विठ्ठल के सन्मुख अपना भाव निवेदन कर रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
अब जैसा गोपी कहती है ना, मन ना भाई 10-20, ऐसे मन तो एक ही है। और हमारा मन मयूर तो कहीं भी हो, आंख बंद हो तो जाता है कहां, एक ही ठौर है। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा तो सब लोग उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे थे। श्री ठाकुर जी ने नामदेव जी से पूछा, बोले अरे नामा, आज सेन नहीं आया? और सेन बिल्कुल नामदेव जी के बगल में ही खड़े होकर कीर्तन कर रहे थे। नामदेव जी ने मन में विचार किया कि ये आज प्रभु की कैसी लीला है, सेन तो ये खड़े। तो बोले प्रभु ये रहे सेन? बोले ना, आज सेन नहीं आया। जब सब लोग जाने लगे तो नामदेव जी ने कहा कि भक्त जी, आज प्रभु ने आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की, आज पंढरीनाथ ने आपको देखा नहीं। कारण? और जब सेन ने सुना तो मन में विचार किया, स्मरण हुआ या, बोले आज जब मैं घर से चला था तो मुझे किसी ने कहा था कि पंढरपुर में उस तरह तेज करने के पत्थर बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो मैंने मन में विचार किया कि चलो आज दर्शन भी कर लेंगे और एक पत्थर भी लेते आएंगे। रामदेव जी ने कहा बस यही चूक हो गई आपसे, आज पंढरीनाथ ने आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की। अगली एकादशी आई, फिर कीर्तन हुआ। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, बोले अरे नामा, सेन आज फिर नहीं आया? और सेन उस समय भी संग गई थे। नामदेव जी ने कहा कि ऐसी असावधानी का कारण? फिर सेन से पूछा, बोले अरे आज फिर कोई चूक कर दी तुमने, ठाकुर जी ने तुम्हारी उपस्थिति आज भी नहीं लगाई, दृष्टिपात तुम पर आज भी नहीं किया, आज फिर ऐसी गलती क्यों? सेन बोले अरे मैंने तो यही विचार किया था कि जो पत्थर पिछली बार ले आए थे आज वापस छोड़ते आएंगे और दर्शन भी करते आएंगे। प्रभु ने बताया जो केवल मेरे लिए मेरे सन्मुख होता है केवल उसी पर प्रभु का दृष्टिपात होता है। जब आप रिक्त मन से प्रभु के सन्मुख जाते हैं, खाली मन, जाही न चाही कबहूं कछु तुम संग सहज सने, बसहूं निरंतरता केवल सोराउर निज गे। तभी तो कबीर कहते हैं, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है तो सिर पे बोझ भारी क्या। कबीरा मार्ग प्रेम का और निपट सिलसिली गैल,
सिलसिली माने बहुत चिकना मार्ग है, कठिन जो चलत पिपीलिका। पिपीलिका कहते हैं चींटी को। बोले अरे चींटी का चलना कठिन है और लोग लगावे बैल, और आप जाने अपने मन में क्या क्या मनोरथ लेकर प्रभु के सन्मुख आते हैं। संतों का तो ऐसा कहना है, प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए। यहां दम दम में होते हैं सजदे सर।